morning. I am Dr. Mahesh Punjabi, Senior Eye Surgeon and Director, Kota Eye Hospital. आज हम लोग नेत्र रोगों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे. कंप्रिहेंसिव आई केयर का मतलब है कि जब भी कोई नेत्र चिकित्सक आँखों की जांच करे, वो गहन इस तरह से की जाए कि वो पूर्ण जांचें हो जाए, जिसमें कंप्रिहेंसिव आई केयर में जब भी कोई मरीज नेत्रा हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको कुछ जांचें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं. मैंडेटरी का मतलब होता है कि ये होना ज़रूरी है. नज़र की जांच, चश्मे के नज़र की जांच, आँख का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मतलब आँख का प्रेशर, एवं आँख के पर्दे की जांच. तो यह जो चारों तरह की जांचें हुई, इसी से पता लगता है कि पेशेंट को आँखों की किस तरह की बीमारी है. पेशेंट साधारण चश्मे के लिए आया है, या पेशेंट कोई पर्दे की बीमारी की वजह से है, पेशेंट की आँखों में मोतियाबिंद है. तो कंप्रिहेंसिव आई केयर इंक्लूड्स ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन. इसके बाद ही नेत्र चिकित्सक तय करते हैं कि कुछ और विस्तृत जांचों की ज़रूरत है क्या, जैसे बी स्कैन सोनोग्राफी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, फंडस एंजियोग्राफी, फंडस फोटोग्राफी या कॉर्निया की टोपोग्राफी. तो ये जो स्पेशल जांचें हैं, यह नेत्र चिकित्सक प्राइमरी जांचों को करने के बाद ही तय करते हैं कि स्पेशल जांचों की कितनी मरीज को आवश्यकता है. मरीज भी ये समझ लें कि जब भी नेत्र हॉस्पिटल में जाएं, आई हॉस्पिटल में, तो इन सब जांचों में कुछ समय लगता है, तो वह धैर्यपूर्वक उसका इंतज़ार करें और यह अपेक्षा न करें कि गए तो मेरा 10 मिनट में काम हो गया तो मैं अब वापस घर जाऊं. उस स्थिति में क्या होगा, पूर्ण जांच नहीं हो पाएगी. जब पूर्ण जांच नहीं होगी तो निदान भी पूरा नहीं हो सकता और उसका इलाज भी ठीक तरह से नहीं होगा. काने पानी का इलाज प्रमुखतया तीन तरह से संभव है. पहला, दवाइयों से, जो उम्र भर डालनी पड़ती हैं. अगर दवाइयों से कंट्रोल में नहीं है तो लेज़र किरणों से, अगर उससे भी कंट्रोल में नहीं है तब जाकर नेत्र चिकित्सक आपके काले पानी का ऑपरेशन की सलाह देते हैं आपको. इन तीनों तरह के इलाज लेने के बावजूद भी मरीज को समय समय पर डॉक्टर के यहाँ जाके काले पानी की जांचें और उनसे भविष्य में कोई नुकसान न हो उसकी जांच करवाते रहनी चाहिए. क्योंकि हम डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि जब तक आपकी उम्र है तब तक क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे. क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि आपको अच्छे से दिखता रहे, जिससे कि आप रोज़मर्रा के काम स्वयं कर सकें. मोतियाबिंद के अलावा जो अन्य बीमारियां हैं उनमें प्रमुख है काला पानी या ग्लोकोमा. ग्लोकोमा या काला पानी से गई हुई रोशनी जो है ना, नेत्र दृष्टि, वो कभी भी वापस नहीं आती. तो यह एक तरह से ऐसी बीमारी है जो अंधेपन की तरफ बढ़ रही है. मरीजों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि अगर चिकित्सक ने आपको बोला है कि काला पानी आँख में है तो उसको गंभीरता से लें और उनका इलाज अच्छे से करवाएं. तब तक डॉक्टर के यहाँ जाते रहें जब तक डॉक्टर ये न कहे कि हाँ भाई अब ठीक है, यहाँ दवाइयों से कंट्रोल है. काले पानी में बहुत धीरे धीरे मरीज की रोशनी कम हो जाती है. अधिकतर केसेस में जब रास्ते में साइड का दिखना बंद हो जाता है, विजुअल फील्ड जब लॉस होता है, तब पेशेंट को एहसास होता है कि मेरे आँख में कोई तकलीफ है. उस कंडीशन में वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या आँख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए. गांव से कई बार ऐसे मरीज भी आते हैं. काले पानी में दिक्कत यह होती है कि जितनी रोशनी चली गई है वह आपका डॉक्टर कभी भी वापस नहीं ला सकता. अगर आपकी रोशनी आठाने चली गई काले पानी से, तो इलाज से, लेज़र किरणों से
ऑपरेशन से हम सिर्फ बची हुई रोशनी को ही बचा सकते हैं, गई हुई रोशनी कभी भी वापस नहीं आती है। अतः यह ध्यान रखने वाली बात है कि काले पाने वाले मरीज को उम्र भर नेत्र चिकित्सक के टच में रहना है, जब डॉक्टर बुलाएं तब जाएं और जैसा डॉक्टर दवाइयां बताएं वैसा करें। उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है जिनके परिवार में काला पानी है या जिनको डायबिटीज़ है। अगर उनकी 40 साल की उम्र ज़्यादा है तो जब भी डॉक्टर के यहाँ जाएँ यह ज़रूर आग्रह करें कि सब मेरे को काले पानी की भी जांच करिए। चाहे आप चश्मे के लिए गए हो तब भी डॉक्टर से कहिए कि मेरी काले पानी की जांच अवश्य करें, क्योंकि मेरे परिवार में काला पानी है या मुझे डायबिटीज़ है। आइए हम कुछ आज आँखों की प्रमुख बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। मोतियाबिंद बहुत ही कॉमन साधारण भाषा में यह ऐसी बीमारी है जो अमूमन उम्र के हिसाब से सभी को आती है। अब मोतियाबिंद होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो है कि बढ़ती हुई उम्र के कारण मोतियाबिंद का आना, जिस तरह से दूध के ऊपर मलाई दूध का ही एक हिस्सा है, इसी तरह से जो मोतियाबिंद है कहीं से आता नहीं है। मोतियाबिंद जो हमारा प्राकृतिक लेंस है, जब वो धुंधला होने लगता है तो हम उसको कहते हैं कि मोतियाबिंद आ गया। कई बार जन्मजात मोतियाबिंद भी होता है और अगर आँख में गहरी चोट लगे तब भी मोतियाबिंद बन सकता है। मोतियाबिंद बनने के और कारण हैं, अगर आपने बहुत लंबे समय तक स्टीरोइड नाम की दवाइयों का उपयोग किया हो, चाहे गोली के रूप में या दवाइयों के रूप में आँख में डालने वाली, लंबे समय तक यह दवा डालने से भी आँखों में समय से पहले ही मोतियाबिंद बन जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तब भी मोतियाबिंद बहुत जल्दी आपको बन जाएगा। तो मोतियाबिंद में आज जो स्थिति है ऑपरेशन की, उसमें किसी तरह के टांके नहीं लगाए जाते। मोतियाबिंद के ऑपरेशन को बहुत ही सूक्ष्म छिद्र से मोतियाबिंद को घुला के निकालते हैं और उसमें फोल्डेबल मुड़े हुए लेंस को प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, जिससे कि मरीज को 100% रोशनी आ जाती है। अंत में मैं यह चाहूँगा कि आँखों की जो हाइजीन है और आँखों की जो साफ़ सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा, आपको ठंड लगेगी तो आप कोट पहन लेंगे, आपको कानों में ठंड लगेगी तो आप टोपा लगा लेंगे, लेकिन अगर आँखों में ठंड लग रही है और धूप और बरसात है या तूफान है तो आप आँखें बंद करके नहीं चल सकते। आँखों को तो खुला ही रखना पड़ेगा। अगर आँखें ही ऐसा है जिनको खुला रखना ज़रूरी है, तो जो सबसे ज़्यादा नेचर का जो तकलीफ़ है, धूल मिट्टी आंधी बरसात, यह सब आँखों को ही सहना पड़ता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आँखों की सुरक्षा करें। दिन में 2-3 बार साफ़ और धुले हुए साफ पानी से आप आँखों को धोइए। अगर आप 2-व्हीलर ज़्यादा चलाते हैं तो धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास चश्मे का नंबर है तो उसका पूरे समय लगाएं। उसके बिना अगर वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना होने का भय रहता है। काजल सुरमा कतई न लगाएं, क्योंकि वो अनहाइजीनिकली है। और कोई भी आँखों की तकलीफ हो तो आप तुरंत अपने पास के नेत्र चिकित्सक को दिखाइए। मोतियाबिंद काले पानी के अलावा जो आँख में चोट लगती है उसमें भी कई तरह की गंभीर तरह की बीमारी आँख में हो जाती है और नुकसान आँख को पहुँच सकता है। तो आप बहुत ध्यान दें वर्क प्लेस पर, जहाँ आप काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, दुकान है, कहीं भी है, केमिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे रंग है, पेंट है, केमिकल्स हैं वहाँ पर, और भी कई सारी इंडस्ट्री हैं जैसे वेल्डिंग है, वेल्डिंग के एक्सपोजर से भी आँखों को नुकसान पहुँचता है। पहले जब एक रामायण और महाभारत के सीरियल चलते थे तब उसमें तीर कमान देख के बच्चे भी बहुत ज़्यादा तीर कमान खेलते थे। उस समय तीर कमान से भी आँखों की रोशनी चली जाती थी आँख में चोट लगने से। आजकल जो गुटखा और चूना खाया जाता है, तो जो चूना है वो अगर आँख में चला जाए तो उससे रोशनी चली जाती है। तो हमने बहुत बार देखा है कि छोटे बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं बाज़ार से चूना और गुटखा ले आओ, बच्चा उस थैली से खेलता हुआ आता है
और वो चूने की थैली फट जाती है प्रेशर से, तो आँखों में चला जाता है। यहाँ किसी सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट गिर गया, यहाँ किसी चूने का काम करते वक्त चूना आँख में चला गया, तो ये सब कुछ ऐसी इमरजेंसीज हैं कि जिसमें तुरंत नेत्र चिकित्सक की ज़रूरत है। तो अगर केमिकल इंजरी हुई है, चूना गिर गया है, तेजाब गिर गया है या मिट्टी गिर गई है आँख में, तो उसको बहुत देर तक पानी से धोइए। जब तक आप नेत्र चिकित्सक के आप पहुँचें, उससे पहले 20 मिनट 25 मिनट तक पानी से धोते रहें, जिससे कि उसका जो ख़राब असर है वो काफ़ी हद तक धुल जाता है। इसी तरह से अगर आपको आँख में चोट लगी है शार्प ऑब्जेक्ट से, मतलब नीडल से, नुक से, तीर कमान से या और किसी चीज़ से, तो आँखों को ज़्यादा न मसलें और तुरंत नेत्र चिकित्सक की सलाह लें। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे जिनकी आँखों में भेंगापन होता है, उनको उनके माता पिता हम लोग के यहाँ दिखाने के लिए आते हैं। तो आप सभी लोग ये ध्यान दें कि घर में अगर छोटा बच्चा है और उसकी अगर आँखों में टेढ़ापन है, तो इसको आप देवी का प्रकोप या भगवान की मर्जी से न माने, उसको डॉक्टर को आके दिखाएं। यह तभी होगा आँखों में टेढ़ापन जब एक या दोनों आँखों की नज़र कमज़ोर होगी। तो नेत्र चिकित्सक जाँच करके अगर चश्मा लगता है तो चश्मा बताएंगे, ऑक्लूजन थेरेपी बताएंगे, और आगे चल के अगर आँखों के ऑपरेशन करने से आँख को सीधा करना है तो वो भी संभव है। उसके अलावा सभी छोटे बच्चों का जो स्कूल जाने वाले हैं, माता पिताओं को ये ध्यान रखना है कि उनका एक बार आँखों की चेकअप करवाएं। कई बार बच्चों को चश्मे का नंबर है और वो 10 12 15 साल तक भी पता नहीं लग पाता कि बच्चे की नज़र कम है। ऐसी स्थिति में उनको बहुत बच्चों को नुकसान होता है, आगे चल के लेज़ी आई हो सकती है, जिससे कि बहुत सारी नौकरियां मिलने में तकलीफ़ हो जाती है। कहीं पर आप ये देखें कि वेल्डिंग चल रही है, तो वेल्डिंग को कृपया से न देखें। यहाँ जो स्वयं वेल्डिंग कर रहे हैं वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस को ज़रूर से इस्तेमाल करें, जिससे कि आँखों में तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी तरह से साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण सीधे नहीं देखना है, उसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप सूर्य ग्रहण सीधे देखेंगे तो आँख के आपके अंदर पर्दे पे जो मैक्यूला है, जिससे हमारी रोशनी, जिससे हम लोग देख सकते हैं, वो मैक्यूला को नुकसान पहुंचने से सूर्य ग्रहण देखने से कई बार परमानेंट रोशनी कम हो जाती है।